नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बीसीएन न्यूज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारतीय कपड़ा और परिधान उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार विभिन्न परियोजनाओं एवं प्रोत्साहनों के माध्यम से निरंतर पहल कर रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर ब्रांड का सहयोग करने के लिए 3 अगस्त 2023 को दिल्ली के प्रगति मैदान में गारटेक्स टेक्स प्रोसेस इंडिया 2023 की शुरुआत हुई। गारटेक्स टेक्स प्रोसेस इंडिया 2023 के इस 9वें संस्करण का उद्घाटन रेलवे एवं कपड़ा राज्य मंत्री श्रीमती दर्शना चर्तोष के द्वारा किया गया, जो 5 अगस्त तक आयोजित होगा। कार्यक्रम के उद्घाटन के मौके पर श्रीमती दर्शना जरदोश ने कहा कि भारतीय कपड़ा क्षेत्र काफी पुराना और विशाल है, जिसकी गिनती भारतीय अर्थव्यवस्था में देश के औद्योगिक उत्पादन के 5वें हिस्से के रूप में होती है। उद्योग की क्षमता बढ़ाने के लिए पुनर्स्करण प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए, जिसमें कपड़े की रिसाइकलिंग, पुनर्प्रयोग एवं बर्बादी को रोकना शामिल है। सरकार की प्राथमिकताओं में कपड़ा क्षेत्र का विकास मुख्य रूप से शामिल है और हमारा उद्देश्य इस क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के साथ उद्योग के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करना और सुविधाएं प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी में 185 से अधिक प्रदर्शक शामिल हो रहे हैं और मैं गारटेक्स टेक्स प्रोसेस इंडिया 2023 में नवीन उत्पादों और प्रौद्योगिकियों के बारे में जानने के लिए उत्साहित हूँ। बीसीएन न्यूज के लिए दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट। यातनाओं के चलते साथ चलने से इनकार करने वाली महिला की उसके ही पति ने हत्या कर दी। बुधवार की रात MIDC के नील डोह में इस हत्याकांड की गुत्थी को पुलिस ने टेलर के टैग के आधार पर सुलझाया है। पुलिस ने आरोपी पति सिद्धार्थ भगवान मेश्राम बोरगांव लाखनी भंडारा निवासी को गिरफ्तार किया है। बुधवार की रात नील डोह में महिला का शव मिला था। महिला के हाथ पर सिद्धार्थ गुदा हुआ था। सिद्धार्थ महिला का पति अथवा प्रेमी होने का पता चल रहा था। पुलिस को परिसर की खोजबीन करने पर एक ट्रैवल बैग में पैंट, साड़ी, चूड़ी तथा मेकअप रूप बॉक्स मिला था। पैंट पर फ्रेंड्स टेलर लाखनी का टैग लगा था। इसके आधार पर पुलिस लाखनी पहुंची। पुलिस द्वारा पैंट दिखाने पर टेलर ने उसकी सिलाई होने का बताया। सिद्धार्थ के संबंध में पूछने पर टेलर ने रजिस्ट्री देखकर सिद्धार्थ मेश्राम बोरगांव लाखनी अपना ग्राहक होने का बताया। पुलिस जब सिद्धार्थ के घर पहुंची तो उसकी पत्नी शिल्पा से भेंट करने के लिए नागपुर जाने का पता चला। पुलिस ने राजीव नगर स्थित शिल्पा के घर पहुंची। उन्होंने शिल्पा का बुधवार दोपहर सिद्धार्थ के साथ जाने के बाद से पता नहीं होने का बताया है। शव देखते ही परिजनों ने शिल्पा की शिनाख्त कर ली। इसके बाद पुलिस ने लाखनी में दबिश देकर सिद्धार्थ को दबोच लिया। शिल्पा की 2014 में मोहगांव झिल्पी के सुनील उमरे के साथ शादी हुई थी। एक साल बाद ही सुनील की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। शिल्पा नवजात बेटी के साथ मायके आ गई थी। कुछ समय बाद वह शादी के बगैर ही सिद्धार्थ के साथ पत्नी की तरह रहने लगी। कुछ समय से सिद्धार्थ उसे यातनाएं देने लगा था। एक माह पहले उसके द्वारा मारपीट किए जाने से शिल्पा बेटी के साथ अपनी मायके राजीव नगर आ गई थी। 26 जुलाई को वह शिल्पा को लेने आया था। शिल्पा ने साथ चलने से इनकार करते हुए उसे खर्च के लिए रुपए मांगे। सिद्धार्थ विवाह करके चला गया। वह बुधवार को भी दोपहर 1 बजे हत्या के इरादे से शिल्पा के घर आया था। उसे बात करने के बहाने निर्जन परिसर में ले गया और वहां शिल्पा ने उससे फिर खर्च के लिए रुपए देने को कहा। रुपए देने की बजाय वह विवाह करने लगा। इसी दौरान उसने धारदार हथियार से शिल्पा की हत्या करके फरार हो गया। नौसिखिया होने से उसने अपना बैग झाड़ियों में छोड़ दिया, लेकिन टेलर की टैग ने उसकी पोल खोल दी। कैमरा पर्सन अजीत कुंवर के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट। कई कदम उठाए जाने, कई सख्त नियम लागू किए जाने के बाद भी समृद्धि हाईवे पर बेलगाम दुर्घटना का खतरा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। 1 जुलाई को विदर्भ ट्रैवल की एक निजी बस से हुई दुखद दुर्घटना में 25 लोगों की मौत के बाद दुर्घटना सत्र को अगले कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया था। समृद्धि हाईवे पर केमिकल ले जा रहे एक ट्रक में आग लगने से चौंकाने वाली घटना सामने आई है। आग लगते ही चालक ने नीचे कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन ट्रक जल गया है। इससे समृद्धि हाईवे पर यातायात बाधित हो गई है। घटना बुलढाणा जिले के मैकर के पास हुई। ट्रक में आग लगने की घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, इसलिए अब समृद्धि हाईवे पर हादसों का मुद्दा एक बार फिर से सामने आने की संभावना है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नासिक से नागपुर केमिकल परिवहन कर रहे एक भारी ट्रक में आधी रात को अचानक आग लग गई।
घटना बुलढाणा के पास मेहकर के पास हुई और आग लगने की घटना का एहसास होते ही ड्राइवर नीचे कूद गया, जिससे चालक की जान बच गई और ट्रक जलकर राख हो गया। हालांकि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन ट्रक में रखा सारा केमिकल जल गया है। इस कारण हाईवे पर ट्रक जल जाने से कुछ देर के लिए कॉरिडोर पर यातायात रोकना पड़ा। हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय नागरिक तुरंत मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया। ट्रक दुर्घटना के बाद कुछ देर के लिए समृद्धि हाईवे पर यातायात बाधित हो गया। इसके बाद यातायात सुचारू कर दिया गया है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट। हिंगना विधानसभा क्षेत्र के विधायक समीर मेघे की निधि से ग्राम पंचायत नीलटोह के अमर नगर वार्ड क्रमांक 1 और 2 में लाखों रुपए के नाली विकास कार्य का भूमि पूजन गुरुवार को पूर्व जिला परिषद सदस्य राजेंद्र हरडे व पंचायत समिति सदस्य सुजीत भोयर, ग्राम पंचायत सरपंच वनिता गलमले और डॉक्टर शीतल उमरे इनके हस्ते किया गया। इस भूमि पूजन कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सदस्य सत्यभाबा पाटले, उर्मिला गायधने, सुनीता बेजेवार, पंचशीला मंडपे, सदस्य सुभाष खाड़ेकर, सामाजिक कार्यकर्ता लोकेश्वर चौहान, मंगेश हरने, प्रशांत पाटले, मोरेश्वर चौधरी, टेकचंद भगत, सुरेंद्र गौतम, महेश कस्बी, दुर्गेश बोपचे, विक्रांत ठाकुर, फगनजी हरिनखेड़े, सतीश बिसेन और परिसर के नागरिक उपस्थित थे। बिसेन न्यूज के लिए अजित कुंवर के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट। भंडारा जिले के अंतिम छोर भावनतड़ी गांव है, जहां नदी के उस पार मध्य प्रदेश लगता है। मध्य प्रदेश की तरफ से बड़े पैमाने पर रेत नदी से निकाली जा रही है, तो वहीं नदी में से पोकला से रास्ता बनाकर महाराष्ट्र की सीमा से उत्खनन कर गाड़ियों की बड़ी संख्या में लोड कर ले जाया जा रहा है, जिससे महाराष्ट्र की तरफ से नदी में बड़े बड़े गड्ढे कर वहीं डंप किया जा रहा है। इसी के चलते मध्य प्रदेश के पूर्व सांसद किसानों के हित के लिए रेती घाट पर देखने आए, जिससे घाट वालों और पूर्व सांसद के बीच गर्मा गर्मी दिखाई दी। इसके कुछ ही दिनों के पहले ही महाराष्ट्र सीमा के ग्रामीणों ने रेती माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाई थी। क्या जिले के कलेक्टर और प्रशासन इस पर ध्यान दे की ये प्रश्न चिन्ह लोगों के बीच बना है? मेरा नाम कंकन मिजारे है, मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ बालाघाट से। मेरे मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला है, जिसका कटंगी विधानसभा क्षेत्र है और गुणवत्ता गाँव में ये नदी है बावनथड़ी। और ये बावनथड़ी नदी में लगातार रेत की चोरी हो रही है। अभी मध्य प्रदेश में 31 जून से प्रतिबंध लगा हुआ है नदियों से रेत निकालने पर, उत्खनन करने पर, और 3 अगस्त है लेकिन ये लगातार रेत निकाल रहे हैं। और ये पोखरण मशीन आप देख रहे हैं, ये नदी में है, ये आप देख रहे हैं एकदम, ये रेत को जमा किया, भंडारण किया, रेट का कम किया है। ये ट्रकों में जो है ये लोडिंग है, दोनों ट्रक लोडिंग है, दोनों नदी में है। और इधर एक पोखरण है, ये मशीन खराब हुआ, एक पोखरण लेके तो बहुत ही दिन चला। और ये जो पुल देख रहे हैं आप, ये बावनथड़ी नदी का पुल बना है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को जोड़ने का, बनगट्टा पुल के नाम से जानते हैं इसको। तो ये पुल के हम नीचे से देश निकाली हुई अनाज हैं, ये पुल देखिए वो खराब खराब कर रहे हैं, टूट जा रहे हैं, ट्रैक मारा है, ट्रैक मार दिया है। और ये आगे भी ट्रैक मारा है, आगे भी थोड़ा ट्रैक मारे, दोनों पुलों में चाहिए, और कभी भी ये पुल टूट जाएगा और कभी बड़ा दुर्घटना हो जाएगा। और ये देखिए कि इससे से भारी वाहन जाना पिछले 3 साल से बंद कर दिया है, दो तीन साल से बंद, इसी वजह से कि पुल जो है ये कमजोर पड़ गया है और कभी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो इसका जो रेत का जो अवैध उत्खनन भी कर रहा है और रेत की चोरी कर रहा है, वो है राजेश पाठक, रेत माफिया बालाघाट का, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख नेता बनता है, कार्यकर्ता है उनका, और मुख्यमंत्री के बाजू में खड़े होकर फोटो खिंचाता है, और यहाँ के सारे नेताओं से उसकी मतलब साठगांठ हो गई है। प्रशासन जो है, कलेक्टर है, माइनिंग अधिकारी है, आपका SDM है, तहसीलदार है, थाने हैं, सबको उसे खरीद रखा हुआ है, सबको मंथली दे रहा है पैसा, तो इसलिए वो कोई भी इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अभी कलेक्टर को फोन लगाया, कलेक्टर बात करने को तैयार नहीं है। SDM को फोन लगाया तो SDM बोलता है कि बात करने का, आप खुद आओ, ये चोरी का मामला है, SDM खुद आया आपने। TI को फोन किया तो पहले तो बातचीत किया, फिर TI को हमने कहा कि ये मामला है, तो TI बोलता है कि मैं छुट्टी पे हूँ। तो ये सारे लोग जो है चोरों को सपोर्ट कर रहे हैं, ड्रेस पहन करके, सरकारी पत्र पहन बैठे हुए हैं, लेकिन ये
एक माफिया के सिंडिकेट में शामिल है, एक रैकेट बना हुआ पूरा। और बालाघाट जिले से बाउंड्री नदी है, चंदन नदी है, बैनगंगा नदी है, आपका घिसर भी है, मनकुआर नदी है, बंजर है, आपका नेहरा नदी है, बाघ नदी, ये सब नदियों से ये जो है ना अभी तक से इन्होंने लगभग 10,000 करोड़ की रेत चोरी करके बेच दिया, चोरी करके 10,000 करोड़ की। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान बोलते हैं कि रेत माफिया को हम जमीन में गड़ा देंगे 10 फीट। लेकिन ये राजेश पाठक नाम का व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश से आया हुआ यहाँ पर है, बांदा जिले का है, ये अपने गुंडे माफियाओं को लाकर काला गुंड यहाँ से उत्तर कर रहा है मुख्यमंत्री के संरक्षण में। शिवराज सिंह के यहाँ का एक और मंत्री है रामकिशोर कार, उसका सहयोग है, उसका संरक्षण है, तो ये रात दिन कर रहा। बताइए कभी रात दिन से मशीन चल रहा है यहाँ पे नदी के अंदर प्रतिबंध के बावजूद। तो फिर सोचिए आपके जब प्रतिबंध नहीं था तब क्या रखती उस चोरी की, यहाँ के नाले तो को निकाल दी रखी, जो घाटे नीलाम नहीं है उनसे भी निकाल दिया। और इन्होंने दंप की स्वीकृति ली है, वो दंप की स्वीकृति भी पूरे नियम विरुद्ध ली है, नियम विरुद्ध स्वीकृति दी गई है। नियम ये है कि 5 किलोमीटर के बाद में भंडारण करने की अनुमति दी जाती है, तो ये 5 किलोमीटर के अंदर के 2 किलोमीटर पे 3 किलोमीटर पे नदी के किनारे बिल्कुल ऐसे उन्होंने ली हुई, कभी ऐसे भंडारण किया हो कम से कम 40 भंडारण ऐसे हैं, और जो बाकी जो भंडारण दिया है वो भी नदी के किनारे दिए हुए हैं। तो पूरा अवैध कारोबार चल रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। हाँ सर, यहाँ के जो लोग जो नदी का रेत जो बिक रहा है वो एक ट्रैक्टर ट्राली रेत में बिक रहा है लगभग 4,000 रुपये में, 3,500 में। और नियम गवर्नमेंट का ये है कि 1 घन मीटर रेत को 125 रुपये में बेचना है, एक ट्रैक्टर में आता 3 घन मीटर रेत, तो जो उपभोक्ता है जो किसान है मजदूर उनको मुश्किल से ये रेत मिलना चाहिए 1,000 रुपये में उनके ट्राली किराया दे करके, ये 4,000 में बेच रहे हैं, तो लूट कर रहे हैं पूरा। लोकल जनता ही ने हमको आवाज़ किया, खबर दिया है कि यहाँ पे चोरी हो रही, इसको बचाओ, नदी को बचाओ, हमको भी बचाओ, हम वहाँ पे जा नहीं सकते क्योंकि इनके गुंडे बदमाश माफिया जो है मारने के लिए कोई गन दिखा रहा है, रिवॉल्वर दिखा रहा है, और सारे जिला बाजार लोगों को लेकर आया हुआ यहाँ पे पत्र क्या ये गई है। और कई बार उन्होंने लेटर दे रखा है, पत्र दे रखा है, प्रशासन कुछ काम नहीं करता है, बोलता है की बात बंद करो, नदी की बात मत करो। इसके पाबंद ये है कि मैं अभी जनता के साथ में इसका आंदोलन भी करूँगा और आगे इसके और जाकर के मैं कोर्ट में जाऊंगा, हाई कोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। बीसीएन न्यूज के लिए भंडारा से सुरेंद्र चिंधालोरी की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में वक्त हो चला है यही रुकने का। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।